जसप्रीत बुमराह जो थे इंडिया के बॉलर, उनको नंबर वन जिसको इतना राज भी मिल गया आईसीसी रैंकिंग के अंदर नंबर वन के ऊपर चले गए। बुमराह तो वाह क्या बॉलर है, क्या अजीब चीज है बुमराह, आई मीन लाइक कमाल की चीज है। मतलब जब हर महीने के बाद भारत हमसे 12 महीने आगे निकलता है बिकॉज ऑफ द स्किल वर्क, बिकॉज उनकी क्रिकेट की गेम अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ द टैलेंट उनके पास जो है डग आउट में है या बेंचेस पे बैठा हुआ है, वो हर एक महीने के बाद हमसे 6 महीने आगे निकलते हैं। के साथ रैंकिंग अपडेट हुई है भाई, जिसमें जसप्रीत बुमराह किंग ऑफ बॉलिंग, किंग ऑफ यॉर्कर्स बोलें या किंग ऑफ बाउंसर्स बोलें, भाई जसवाल बैट्समैन रैंकिंग में नंबर 3 पर आ चुका है। भाई बैटिंग की रैंकिंग देखिए इंडिया राज कर रहा है, बॉलिंग की रैंकिंग देखिए इंडिया राज कर रहा है, क्योंकि जसवाल जब से आए हैं तब से कमाल कर गए। मतलब एक साल में अगर कोई आदमी सिर्फ 11 टेस्ट मैच खेलकर टेस्ट की दुनिया में जिसे बेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट कहा जाता है नंबर 3 बन जाए और नंबर 2 बनने के इतने करीब हो, तो यार वो मामूली इंसान नहीं हो सकता। उसमें बुमराह जो है दोबारा से नंबर 1 टेस्ट बॉलर बन गए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत कुछ बिगड़ गया। वही बोल रहा हूँ, पाकिस्तान में चीजें अच्छी हो रही है नहीं, पाकिस्तान में नहीं हो रही है। खैर पहले बात करते हैं भाई जसप्रीत बुमराह, और मैं तो शुरू से बोलता हूँ कि भाई ये बंदा कंप्लीट बॉलर है। अब विराट कोहली जैसे बैट्समैन या बुमराह जैसे बॉलर या यंगस्टर्स में आप जसवाल की बात कर लो, इस तरह के बंदे जब आपको ऊपर नजर आते हैं ना रैंकिंग्स में, तब बंदा ना अंदर से सेटिस्फाई भी होता है कि यार ये वाला बूम बूम बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गए हैं। वही यशस्वी जसवाल आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आ गए हैं, मात्र 11 टेस्ट मैच खेले हैं और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। देखकर पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि हर जगह भारत कब्जा करके बैठ गया है क्रिकेट पर। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग हो, WTC का पॉइंट लेवल हो, हर जगह भारत कब्जा करके बैठा हुआ है, तो किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। तो आइए सबसे पहले करते हैं इस वीडियो को। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है बुमराह यार, बड़ा 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 समझदार बॉलर है। मैंने उस बंदे को देखा, वो बड़ा जबरदस्त रीड करता है पिच की पिच को। आप देखें कि स्लोवन कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है यॉर्कर स्लोवन, मतलब जगह पे बॉल करना, तो वो बड़ा जबरदस्त। मैं हमेशा बोलता हूँ इंडिया की जो टीम बॉलिंग की वजह से जीतती है ना, वो 50% बुमराह की वजह से जीतती है। बुमराह को आप टीम से निकालें, इनकी बॉलिंग स्ट्रगल करेगी, क्योंकि उस एक तो उसका एक्शन मुश्किल, उसके वेरिएशन बहुत है, उसको रीड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद इंडिया के बाद जो तीन तीन स्पिनर अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जडेजा, ये बहुत इनके पास एक प्लस पॉइंट है, ये तीन स्पिनर जो ऐसी कंडीशंस में खेल रहे हैं। तो उम्मीद यही थी कि इंडिया आज जसप्रीत बुमराह जो थे इंडिया के बॉलर, उनको नंबर 1 जिसको इतना राज भी मिल गया आईसीसी रैंकिंग के अंदर नंबर 1 के ऊपर चलेंगे, तो दुल्हा साहब शॉकिंग तो नहीं है आपके लिए? नहीं, बुमराह का नंबर 1 आना बिल्कुल शॉकिंग नहीं है। देखें बुमराह एक बड़ा जबरदस्त बॉलर है, वो डिजर्व भी करता रहा। जिस तरह का बुमराह बॉलर है वो यही पोजीशन डिजर्व करता है। और देख आपको तो पता ही है भाई, उसको छक्का मारना बड़ा मुश्किल है, उसको 20 स्कोर बड़ी मुश्किल से पड़ता है कभी, शायद मेरा ख्याल है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि उसको 20 स्कोर लास्ट टाइम कब पड़ा होगा। मतलब कि बॉलर वो बहुत आउट क्लास है, तो मुझे लगता है कि बुमराह अच्छा हुआ है कि बुमराह नंबर 1 बॉलर है। आपने बड़ी अच्छी बात की, बुमराह को इस वक्त स्कोर नहीं पड़ता। अगर मैं याद करूं बुमराह को लास्ट टाइम कब मार पड़ी थी, मुझे खुद नहीं याद आएगा, मुझे नहीं याद आता। सिर्फ T20 वर्ल्ड कप में तो उसको मार पड़ी नहीं ना, बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप में तबाही मचाई हुई थी। वही बात आती है ना, फिर ऐसे क्या खासियत है इस बॉलर के अंदर, ये अपने आपको बेस्ट बनाता है। देखो 150 की पेस नहीं है, या तो 150 की पेस हो या जिसको कहते हैं ना मिट्टी क्या है उसमें, यही तो चीज है। एक तो उसका जो रनअप है वो छोटा है, ये तो एक अलग चीज है, लेकिन उसका जो कहते हैं बॉलिंग एक्शन है वो बड़ा यूनिक और डिफरेंट है। और दूसरी एक जो मेन चीज है वो बॉडी टू बॉडी बॉल करता है। आपने उसको मुझे नहीं आप मुझे खुद बताएं, मैंने कभी बुमराह को जो है ना बाहर एक्स्ट्रा बाहर या फिर वाइड फजूल किस्म की बॉल देते हुए मैंने देखा। मैंने देखा है वो पैड में मारता है, बॉडी में वो कोशिश करता है, वो ज्यादा ज्यादा बॉल को मारता है, वखियों में वो बॉल मारता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रीजन है कि उसको स्कोर कम से कम पड़ता है। उसकी लाइन और लेंथ जो है ना बुमराह की वो बहुत शानदार। बड़ी अच्छी आपने बात की बॉडी टू बॉडी। हम अक्सर देखते हैं जो बॉलर होते हैं वाइड यॉर्कर की तरह ट्राई करते हैं, वो नहीं आज तो बुमराह को नहीं देखा। वही सवाल है ना कि मतलब कि क्या चीज बुमराह को स्पेशल बनाती है, यही चीज है कि बुमराह जो है ना वो हार्ड लेंथ के वो बॉलिंग करता है, बॉडी टू बॉडी, कभी इन कभी आउट, और बस यही होती है। क्योंकि जसवाल जब से आए हैं तब से कमाल कर गए। मतलब एक साल में अगर कोई आदमी सिर्फ 11 टेस्ट मैच खेलकर टेस्ट की दुनिया में जिसे बेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट कहा जाता है नंबर 3 बन जाए और नंबर 2 बनने के इतने करीब हो, तो यार वो मामूली इंसान नहीं हो सकता। उसमें बहुत कुछ खास होगा।
और इसी वजह से आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट यशस्वी जायसवाल हो सकते हैं। 22 साल की उम्र में जायसवाल की दुनिया में टेस्ट क्रिकेट में थर्ड रैंकिंग है और T20 क्रिकेट में फोर्थ रैंकिंग है, और ये काबिले तारीफ है, कमाल है। इंडिया से टेस्ट में वो बेस्ट है, कोई भी प्लेयर 3 नंबर पर नहीं है। यशस्वी जायसवाल की अगर आप जर्नी देखेंगे तो बेहतरीन है। मतलब यार, एक लड़का जिसने सड़कों पर संघर्ष किया, जो अकेले अपने घर से भाग गया, मुंबई की सड़कों पर जाकर रहा, आजाद मैदान में संघर्ष किया, बहुत सारी संघर्ष की कहानियां हैं। वो लड़का 2023 जुलाई में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करता है। टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग में फिलहाल वो नंबर 3 पर है। T20 में अगस्त में डेब्यू करता है, वहां पर वो 4 नंबर पर है। वनडे क्रिकेट में उसका डेब्यू हुआ नहीं है, और जिस दिन डेब्यू हो गया, आप लिख कर ले लीजिए, अगले 20 मैच में वो टॉप 10 की रैंकिंग है। That's जायसवाल for you. I mean, incredible talent. जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। He is just 22 years old. मतलब जायसवाल ने एक्चुअली में शुभमन गिल को 2 फॉर्मेट में रिप्लेस कर दिया। टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग स्लॉट अपने नाम कर लिया, T20 में अपने नाम कर लिया। T20 में अगर क्वेश्चन होता है तो वो गिल को लेकर होता है, जायसवाल को लेकर नहीं होता। एंड दैट्स पावर ऑफ जायसवाल। इसीलिए आज सवाल कि जायसवाल या गिल कौन है इंडियन क्रिकेट का असली प्रिंस। दोनों कमाल है, दोनों अद्भुत है, दोनों क्लासी बैट्समैन है। जितनी तारीफ दोनों की जाए कम है। शुभमन गिल 2023 में जिस फॉर्म में थे, अनमैचेबल फॉर्म थी। जायसवाल जब से आए हैं जिस फॉर्म में, अनमैचेबल फॉर्म है। बट जायसवाल, आप उन्हें वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट इन वर्ल्ड क्रिकेट भी कह सकते हैं। जायसवाल का डेवलपमेंट, जायसवाल की रेंज काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। प्रेशर हैंडलिंग काबिले तारीफ है। कानपुर में जो फर्स्ट मैच था, फर्स्ट इनिंग थी, यार क्या बेहतरीन पारी खेली। पेशेंस और स्किल की क्या शानदार मिसाल पेश की। कई बार लगता है कि जायसवाल की इतनी तारीफ नहीं होती जितना वो डिजर्व करते, और इसीलिए मेरे मन में सवाल आता है कि क्या जायसवाल की और तारीफ होनी चाहिए। इसी मैच की बात कर लीजिए, जो बांग्लादेश का लास्ट मैच था, 51 बॉल 72 रन, सेकेंड इनिंग 45 बॉल 51 रन। दैट्स यशस्वी जायसवाल फॉर यू। ओनली 2 इंडियन टू स्कोर 50+ स्कोर इन बोथ इनिंग ऑफ अ टेस्ट मैच एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ मोर देन 100। 100 के स्ट्राइक रेट से 2 इनिंग में अशतक बनाना कमाल है यार, ये अद्भुत है, अद्भुत है। जसप्रीत बुमराह टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं, ये होती है रैंकिंग। इसे इस तरह की चीजों पर ना कोई भी खुश होता है यार। परफॉर्म करके आया है, बॉबर की तरह घंटा बजवा कर नहीं नंबर 1 बना, परफॉर्म करके अगला टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 आया। इसके ऊपर बात करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, मेन बात है, WTC पॉइंट्स टेबल। आपको पता है कि इंडियन टीम 3रा फाइनल लगभग खेल गई है, मतलब खेल गई है। इंडिया के पॉइंट्स इतने ज्यादा हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से कि इंडिया अब आराम से WTC पॉइंट्स टेबल के फाइनल में चला गया, समझ लो चला गया। मैं बताता हूं इंडिया किस तरह चला गया, क्योंकि इंडिया के अगले मैच 3 है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और न्यूजीलैंड का घर से बाहर जो रिकॉर्ड है आप सबको पता है। अब मैं ना मैं आपको अपनी एक शॉर्ट चीज बताता हूँ, और जसप्रीत बुमराह की अगर मैं बात करूं, देखो ये सबको एक चीज का मैं बता दूं। आई थिंक मैं सुन रहा था कि जसप्रीत बुमराह इंडिया की तरफ से पहले ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। सबसे पहले तो ये बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि यार बुमराह जैसा बॉलर है, मतलब ये देखो बुमराह जैसा बॉलर डिजर्व करता किसी भी रैंकिंग में टॉप पे आना, मुझे खुशी होगी। क्यों? परफॉर्म करके आया। बाबर आजम की तरह छोटी टीमों को मार के या छोटी टीमों के आगे रन करके नहीं आया, परफॉर्म करके आया। बड़ी टीमों के आगे परफॉर्म करके आया, बड़े मैचेस में प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करके आया। फिर जिस जब विराट कोहली जैसे बैट्समैन या बुमराह जैसे बॉलर या यंगस्टर्स में आप जायसवाल की बात कर लो, इस तरह के बंदे जब आपको ऊपर नजर आते हैं ना रैंकिंग्स में, तब बंदा ना अंदर से सेटिस्फाई भी होता है कि यार इस स्पोर्ट के साथ ना जस्टिफाई हो रहा है। इस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार बॉलिंग किया, उसके बाद ICC टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह नंबर 1 पर आ गए हैं। वही यशस्वी जायसवाल ICC टेस्ट रैंकिंग में
तीसरे नंबर पर आ गए हैं। सभी ने आपको बता दिया होगा कि आईसीसी रैंकिंग में बुमराह नंबर वन पर है, यशस्वी जायसवाल नंबर तीन पर है, लेकिन ये कोई नहीं बताया होगा कि आखिरकार यशस्वी जायसवाल और जसप्रीत बुमराह का पॉइंट टेबल कितना नंबर है, कितना पॉइंट के साथ वो नंबर वन पर बने हुए हैं, कोई नहीं बताया होगा। लेकिन मैं बता देता हूं कि जसप्रीत बुमराह का आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कितना पॉइंट है, यशस्वी जायसवाल का आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कितना पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं बुमराह के बारे में बता दे रहा हूँ। बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन पर बने हुए हैं, जो उनका पॉइंट है 870 पॉइंट के साथ वो नंबर वन पर बने हुए हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है, जो 792 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। देखकर तो पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि 11 टेस्ट मैच खेल के कौन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर तीन पर बना रह सकता है, तो उनका नाम यशस्वी जायसवाल है। आप भी यशस्वी जायसवाल और जसप्रीत बुमराह के एक वर्ल्ड क्लास बॉलर या गेंदबाज मानते हैं, तो अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।